नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकी जाहिद अहमद व उससे जुड़े आतंकियों की धरपकड़ के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि एनआईए कश्मीर में आतंक से संबंधित कई मामलों की जांच कर रही है। आज की इस छापेमारी में एनआईए टीम के साथ सीआरपीएफ और पुलिस भी शामिल थी। इन छापों के दौरान एनआईए की टीम ने कथित तौर पर कुछ दस्तावेज, एक कंप्यूटर, मोबाइल फोन व कुछ अन्य सामान भी जब्त किया है। इस दौरान एक व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई।